किसान आंदोलन गांव बलियाणा व बोहर के किसानों को खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने से भाकियू नेता अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने रोका। बोले, फसल हमारे बच्चे सामान, इसको नष्ट करने से पहले गुजरना होगा मेरी छाती के ऊपर से। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान विरोध स्वरूप अपनी खड़ी फसल को नष्ट करने पर उतारू है। इसी कड़ी में आज गाँव बोहर व बलियाणा के कुछ किसानों ने अपनी खड़ी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना जैसे ही भारतीय किसान यूनियन अंबावत की प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान को लगी तो वह तुरंत आनंद फानंद में खेत में किसानों के बीच पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि बलियाणा से किसान रामफल व नरेश, गांव बोहर से किसान सोनू, जसबीर शाह सहसा, पप्पू व नानू तथा गांव खरावड़ से मुकेश कदम, मलिक वीरेंद्र, सतीश आजाद सिंह, जसवंत सिंह, धर्मवीर व विजय मलिक अपनी फसलों को उजाड़ने पर अड़ गए, जिस पर भाकियू नेता अनिल नांदल उनके ट्रैक्टर के सामने लेट गए और कहा कि फसल हमारे बच्चे के समान होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कच्ची फसल को नष्ट ना करें। उन्होंने कहा कि फसल नष्ट करना कृषि कानूनों का समाधान नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि किसान आंदोलन सफल हो और सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हो जाए तो इसके लिए हमें अपनी फसल को पकाकर स्टोर करना होगा। वाकियों नेता बल्लू प्रधान ने किसानों से आह्वान किया कि वे जोश में आकर कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे किसान आंदोलन कमजोर पड़े। सरकार को झुकाने के लिए हमें अपनी फसल पकाकर खुद स्टोर करनी होगी और अपने मजदूर भाइयों में बांटनी होगी और उनके साथ साथ सरकार को एक भी दाना ना बेचा जाए, तभी सरकार इन कृषि कानूनों को वापिस लेने पर मजबूर हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम सब की एकता ही सरकार को झुकने पर मजबूर कर सकती है। नमस्कार जी, देखो भाई, मेरे को पता लग गया था, पहले बलियाड़े वाले भाई बाण गए थे, आज जन्म मना वही रोक दिया, 30 एकड़ जमीन बाने की कह रहे थे, 150-200 आदमी इकट्ठे हो रहे थे। मेरे को उसके बाद पता चला मेरे कलावड़ वाले भाई, हमारे काका हुए जो भी है, अगर भाई कलावड़ भी फसल बाण की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को पता लगते मैं तुरंत पाया बात कहा। हम सर आपसे एक बात यही जानना चाह रहे हैं, क्या ये इस तरीके से फसलें बहाना सही है? कति गलत है जी। देखो, फसल को हम जमींदार आए बैठे हैं और हमारे गुजरे ये खड़े जिन्ना हम इस धरती माता से जोड़े हैं, एक बच्चे की तरह फसल को उगाते हैं, उसकी तरह पालते हम इसको बाएंगे, और ये गुजरे ही हमारे को ये बताते हैं अग्नार को नाज को बाने से हमेशा पाप लगता। हम सरकार को एक भी दाना नहीं देंगे, हम अपनी फसल उगाएंगे। ये मेरे कलावड़ के जितने मेरे भाई थे, ताऊ थे, ये सभी ने मेरी बात मान ली है। हम अपने फसल उगाएंगे, अपने गेहूं निकालेंगे, हम गरीब भाइयों में बांटेंगे, जवान जगह सारा हमारी मदद करेगा, गौशाला में देंगे, बॉर्डर के ऊपर अपना आटा पिसवा के बॉर्डर के ऊपर आटा पिसवाएंगे, पर सरकार को एक भी दाना नहीं देंगे। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर